हर हाउसवाइफ की यही शिकायत रहती है कि सर्दियों में घर के काम बहुत मुश्किल हो रहे हैं करने में, और कैसे घर के काम को हम मैनेज करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। ऐसा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सर्दियों में हम घर के काम को कैसे मैनेज करें। तो आज की जो वीडियो है वो मैं कुछ वीडियो के थ्रू और कुछ पॉइंट्स मैंने पिक किया है और वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि किचन के बर्तन, हमें जो है किचन के बर्तन जो है, अगर हमारे घर पे मेड है तो कोई बात नहीं, अगर मेड नहीं है, अगर हम खुद घर के सारे काम करते हैं तो वाकई जो है सर्दियों के काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है, और यही लगता है कि कैसे घर के काम मैनेज होंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है कि किचन के बर्तन जो हमारे होते हैं, ये मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जो ग्लव्स आपको दिख रही होगी, इस तरह के ग्लव्स जो होते हैं आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, या मेडिकल शॉप से भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, किसी भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, किसी भी मतलब वेबसाइट पे आप जाके सर्च करिएगा तो आसानी से वो आपको मिल जाएंगे, और हार्डली ये 100-150 रुपये का लगभग आ जाएगा, और ये आपका जो है 2-3 महीना आराम से निकल जाएगा। तो बस ग्लव्स पहनना है आपको, और अपने जो बर्तन हैं आपको आसानी से जो है धुल जाएंगे, बेसिन भी साफ़ हो जाएंगे, और काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो है ना अच्छा सा ट्रिक्स। और दूसरा है हमारी जो है लॉन्ड्री, अगर हमारे पास अगर वॉशिंग मशीन है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब वर्कर हैं, अगर सुबह में जॉब पे जाते हैं तो हम रात में ही अपना जो ऑटोमेटिक जो फुल्ली वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़े डाल के हम टाइमर सेट कर सकते हैं, वो अपने आप जो है वो सुबह बस हमें स्विच ऑन करना है, और जो कपड़े हैं जब तक हम अपने नाश्ता बनाएंगे और रेडी होंगे तब तक कपड़े हमारे जो हैं वो हो जाएंगे, और हम उसको अपने स्टैंड पे या जहाँ भी हम डालते हैं वहाँ डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपनी लॉन्ड्री को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, तो सुबह का जो भागा दौड़ी है वो हमारा जो है वो कम हो जाएगा। तो कमेंट करिएगा ये दोनों ट्रिक आपको कैसा लगा। अब बारी आती है कि अलमारी को हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो होता है बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और मैंने इस पे कई वीडियो बनाया हुआ है कि सर्दियों में घर के में अपने वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें और कैसे उसको रखें, तो उसका मैं लिंक जो है ये आई बटन में मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, और मैं भी कुछ वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूँगी, तो उस हिसाब से हम अपने कपड़ों को जो है अपना मैनेज कर सकते हैं। मैंने जो है जो कहीं आने जाने वाले कपड़ों को जो है मैंने वार्डरोब में मैं नहीं रखती हूँ, इस तरह से एक थैले में करके जो है कहीं आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं इस तरह से थैले में करके अपने रूम में ही किसी सेपरेट जगह रख देती हूँ इस तरह के थैले में, ताकि बहुत ही आसानी से हम इसमें से ले सकें और हमारा जो वार्डरोब है वो मेसी ना हो। और डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं हमारे, तो हम इस तरह से जो है अलमारी में जो है इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े आसानी से मैनेज हो जाएंगे, और ये जो कपड़े हैं तो फाइल सिस्टम में रखिए, आपके जो कवर्ड है वो मेसी नहीं होगा और अच्छे से हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि मेरा वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, चाहे जो भी सीजन हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो इस तरह से आप अब अपना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो आगे ही आगे के तरफ ही उसको रखना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से अपने कपड़े ले पाएँ, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो हमारे कपड़ों को जो वार्डरोब होता है उसको मैसी करते हैं, अदरवाइज हम बड़े जो हैं अपने कपड़े तो आसानी से ही निकाल लेते हैं। तो उसके बाद है अगला जो है कि बहुत ठंडी लग रही है, ये मेन टॉपिक है और इस वीडियो का कि बहुत ठंडी लग रही है। तो देखिए ठंडी का ये है कि ठंडी तो हर सीजन आनी ही आनी है,
तो उससे अच्छा है कि हम इस तरह से जो है पतले इनर वियर हम अंदर सूट के नीचे जो घर में हम हमेशा पहन सकते हैं। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, वाइट, ग्रे और जो आपको पसंद आए। और इस तरह से पैरों के लिए भी आप इस तरह के जो इनर वियर होते हैं पैर वाले पहन सकते हैं। और दोनों तो इस तरह की जो है एक या दो जोड़ी आप हमेशा रखिए और डेली वियर पहनिए, बहुत ही आपको आराम मिलेगा और आपको जो है ठंडी से आप हमेशा बचे रहेंगे, बहुत ही आराम देता है ये कपड़ा। और जो मैंने इनर वियर की अभी जो बात मैंने की है, तो इनर जो है ऊपर और नीचे का आप हमेशा पहनिए 24 आवर। जब शावर लेने जाइए तभी उसको निकालिए और दो जोड़ी रखिए, इससे जो है आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको ठंडी से भी बच जाएंगे। तो जो सॉफ्ट कपड़ा होता है, जो जो एकदम सॉफ्ट होता है, वो कपड़े को आप यूज करिए जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। और तो इससे जो है आप ठंडी से बच सकते हैं। और अगर आपके घर मेड नहीं आती है तो सबसे पहला कि ये काम है कि आप कोई शारीरिक श्रम करिए। तो इससे ये होगा, शारीरिक श्रम करने से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से हो जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा। मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं जब भी सुबह में उठती हूँ तो झाड़ू लगाती हूँ, इससे जो है थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाती है और धीरे धीरे फिर शॉल हो गया, फिर स्वेटर हो गया, इस तरह से सारे सारे चीज़ें जो है निकलती जाती हैं और काम जो है ये चुटकियों में हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम अपने इस तरह से शारीरिक श्रम करके हम अपने घर के कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो उसी जब शरीर गर्म रहे उसी समय शावर वगैरह ले लीजिए, तो आधे काम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अगला है कि जब भी हम रात में सोएं तो हाथों पैरों में जो है वैसलीन वगैरह लगा करके सोएं, क्योंकि हमारा जो पैर होता है बहुत ही वर्क करते हैं, हाथ जो है बार बार सिंक में जाते हैं, बार बार पानी में जाते हैं, तो बहुत ही ये ड्राई हो जाते हैं। तो इसको सॉफ्ट रखने के लिए अपने बेड के पास जो है वैसलीन जरूर रखिए। जब भी सोइए अपने हाथ में थोड़ा सा वैसलीन लगा के मॉइस्चराइज कर लीजिए, उसी समय पैरों में भी लगा लीजिए और सॉक्स जरूर पहनिए, इससे जो है आपको ठंडी का आभास नहीं होगा। और उसके बाद है कि बार बार सर्दी जुकाम होना। तो जब हमें ठंडी लगती है तो बार बार सर्दी जुकाम होना ही पॉसिबल ही है, क्योंकि मुझे ठंड से एलर्जी है, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। और जब मुझे एलर्जी होती है तो सर्दी जुकाम सब होता है। अभी फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले ही मैं ठीक हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कफ वगैरह हो गया था और ये काफ़ी दिन बाद मुझे ये सर्दी जुकाम हुआ। आई थिंक मुझे 1.5-2 साल पे ये सर्दी जुकाम हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखती हूँ और इस तरह से मैं अपने आप को सुरक्षित रखती हूँ सर्दियों में। तो सबसे पहला काम ये आप करिए, सोते समय हम लोग यहीं तक अपना जो है शरीर को हेड जो ढकते हैं, ऊपर का जो एरिया होता है हम नहीं ढकते हैं, तो हम या तो कोई स्कार्फ या तो टोपी हम पहन के सो सकते हैं। और हार्डली क्या करिए कि आप ठंडियों में गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से जो है हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है और जो हमारा गला है वो सही से रहेगा, हमारा गला खराब नहीं होगा, तो फिर सर्दी जुकाम होने की कोई संभावना भी नहीं रहती है। और गर्माहट पैदा करने के लिए बादाम वगैरह जो है हम ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर को गर्माहट जरूर देती हैं। तो गर्म पानी जरूर पीजिए, एक थर्मस रखिए और उसमें गर्म पानी भर के रखिए और दिन भर जो है पानी आप पीजिए, तो इससे भी जो है आपको सर्दी बहुत कम लगेगी। अगला पॉइंट ये है कि जो होता है कंबल धोना, सर्दियों में बहुत ही मुश्किल होता है कि हम कि अपने लॉन्ड्री को ये भी जो है कंबल धोना ही लॉन्ड्री में हमारे आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो डाला है, अभी मैंने कंबल पे अपने खोल लगाया था, तो पहले तो मैं भी लॉन्ड्री में ही देती थी, पिछले साल मैंने दिया था बट इस साल मैंने सोचा मैं नहीं दूंगी। और जो गर्म खोल होता है
रजाइयों का, तो उसी को मैंने अपने कंबल के ऊपर डाल दिया है और इस साल मुझे धुलवाना नहीं पड़ेगा, बस मुझे कंबल धोना पड़ेगा और उसके बाद जो है हमारा जो कंबल है वो आसानी से सेफ रहेगा। बस धूप दिखाना है और जो ये गुंडन की गोली होती है उसको कपड़े में बांध करके जो दीवान में मैं डाल दूँगी। और एक दीवान बेड का जो है मैंने अपने कुछ दिन पहले मैंने अपने दीवान को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ उसका भी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा कि कैसे मैं अपने दीवान को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और अगर मान लीजिए कि धोने से अगर बचना है, क्योंकि मोटा कंबल होता है, पहले तो हम लोग हाथी से धो लेते थे, अगर धोने से बचना है तो क्या करिए कि पतले पतले कंबल को जो होता है आप उसको लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर करके दो तीन पतले पतले कंबल जो होते हैं आप उसको लगा करके और उसको साट के अपना ओढ़ सकते हैं अगर धोने से बचना है तब। और फिर ये जो पतले कंबल होते हैं आसानी से जो है हमारे वॉशिंग मशीन में ही धुल जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है को, क्योंकि अगर मोटे कंबल होते हैं तो उस पर कवर जरूर लगाइए, तो धोने की झंझट से आप बच जाएंगे और हमारा जो पैसा है वो भी बच जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ये मेरा डबल लेयर का कंबल है मैंने फ़िलहाल में धुलवाया है तो वो 450 रुपये लग गए थे सिर्फ धुलाई का, तो 2 साल तो मैं कंटिन्यूस धुलवाई हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं धुलवाऊँगी। और तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे सर्दियों से बचने के जो उपाय मैं ये कुछ वीडियो के थ्रू और कुछ चीज के थ्रू लाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। इस तरह के जो हैं हमारे इस तरह से अगर हम अपने घर के कामों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत ही ईजली से हो भी जाएंगे और हमारे जो घर के काम हैं वो आसानी से हो भी जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जो है थोड़ा सा शारीरिक श्रम जरूर करना पड़ेगा जो भी हाउस वाइफ हैं, क्योंकि सुबह या तो थोड़ा सा टहल लीजिए या तो झाड़ू लगा लीजिए तो इस तरह से जो है हमारे घर के काम जो है वो आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको अपने फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, और कुछ भी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सर्दियों से बच पाएँ। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।